हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं जरा प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो आज वो दोस्तों, तो लोकसभा के अध्यक्ष अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जिसमें से बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। तो अब बात करते हैं 17वीं लोकसभा की प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर के बारे में। तो वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 93 में क्या कहा गया? लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 93। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट सीटें मिल रही हैं, आपने पीछे की सीटें कुछ देख चुके हैं तो आपको लग रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो अच्छा, पहले जान लीजिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर कैसे। तो भी अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो उसके बाद 17वीं लोकसभा। अच्छा, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? 17 जून से। 17 जून से, तो याद करने में आपको 17वीं लोकसभा याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि 17वीं कौन सी लोकसभा नंबर है? 17वीं। और कब से स्टार्ट हुआ? 17 जून से कार्यकाल कार्यकाल प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो 17 जून से, तो उसके बाद प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो जो राष्ट्रपति होता है, जब संसद की जैसे लोकसभा आपकी विघटित हो गई, ठीक है, अभी विघटित हुई थी, तो अब उसके बाद क्या, दूसरी लोकसभा जब 17 जून से स्टार्ट हो, तो उसके लिए जो पहले दिन की अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा एक संसद का, उसी संसद का जो संसद बन के आए सांसद, उसी में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। पूर्णतः क्या किया जाता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। किसके द्वारा प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा बनता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, नियुक्त होता है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पहले दिन की, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पहले दिन की अध्यक्षता के लिए, जो संसद में पहले दिन की मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता के लिए। अच्छा, उसी दिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो बताता है कि अब उसके बाद क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो बताता है कि राष्ट्र जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसको किस दिन निर्वाचित किया जाएगा, किस दिन उसका तारीख निर्धारित करेगा निर्वाचन, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, जो मतलब उसमें भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्र किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, जो लोकसभा का सदस्य होगा वही संसद यानी कि जो सांसद बन के आए उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हुई प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, पीछे से कुछ जान लीजिए, 2014 में प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो कमलनाथ। 2014 में कमलनाथ, ठीक है। 2019 में कौन हुआ है? तो वीरेंद्र कुमार। करंट करंट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो अभी आपको पता ही होगा कि पिछले जो आपका कार्यकाल था उसमें कौन था इस अध्यक्ष आपका, तो सुमित्रा महाजन जी थी। और इस बार किसको नियुक्त किया गया? ओम बिरला। ओम बिरला 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। बहुत इंपॉर्टेंट, बस इसी की वजह से मुझे आप सबके लिए सीट लानी पड़ी। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, क्या होता है आपको मैंने बता चुका हूं। जो पहली पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों की, यानी कि जब पहली बैठक होती है, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता सके हैं इसके अध्यक्ष चुनाव के लिए कौन डेट फिक्स करता है? तो राष्ट्रपति डेट निर्धारित करते हैं किस दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, तो इतना आपको पता हो गया। अच्छा, उसके बाद कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अब लोकसभा अध्यक्ष चुनाव हो गए तो वो कब तक रह सकता है, किस तरह से हटाया जा सकता है, किस तरह से वो स्वतः हट सकता है, ये कुछ बातें हैं तो जानिए। तो जो पूर्णतया क्या होता है, जैसे 2019 से लेकर 2024 तक, आपका 2024 तक लोकसभा चलेगी, 17वीं लोकसभा, ठीक है। तो आप 5 साल की होती है, अगर उसी बीच दौरान, इन 5 सालों के बीच के दौरान किसी टाइम लोकसभा भंग हो सकती है, आपको पता होगा राज्यसभा भंग नहीं होती, लोकसभा भंग हो जाती है।
आपको पता होगा। अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। अच्छा लोकसभा किस आर्टिकल में आते हैं, 81 में आर्टिकल, और जो राज्यसभा वो किस आर्टिकल में आता है, राज्यसभा 80 में। ठीक है दोस्तों, संसद के कितने सदन है, 3 सदन, राष्ट्रपति, उसके बाद कौन सा है, राज्यसभा, उसके बाद है लोकसभा। तो राष्ट्रपति आपको 52 में है, 80 में ये है RS यानी कि राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा यानी कि LS। ठीक है तो दोस्तों ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद वो पूर्णतः 5 साल के लिए, तो उनके लेकिन उसी बीच अगर दौरान वो किसी टाइम अपना पद दे सकता है तो कब कब वो नहीं रह सकता। ठीक है तो वो कब, कौन कौन कंडीशन है, वो कंडीशन देखिए, वह सदन का सदस्य नहीं रहता, नहीं रहता, कोई ऐसी कंडीशन ना थी जिस समय वो सदन का सदस्य नहीं रहता, तो वो भाई वो उस टाइम, अब वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा। ठीक है दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि वह स्वतः त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे 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 दे। अच्छा देखो यहां पे क्या हो रहा है, यदि वह स्वतः त्याग पत्र किसको दे दे, उपाध्यक्ष को दे दे, यहां पे राष्ट्रपति को नहीं दे रहा, किसको दे रहा, उपाध्यक्ष को दे रहा, स्वतः त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे दे। ठीक है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। अच्छा एक और कंडीशन है क्या होता है, जैसे कि यदि लोकसभा का तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित करके, जैसे कोई लोकसभा का अध्यक्ष है ठीक है, उसको वहां के सदस्यों को यह लग रहा है कि ये एक पार्टी का पक्ष ले रहा है, क्योंकि ये भले किसी पार्टी से बन के, लेकिन उस समय वहां का सबसे प्रमुख होता है, वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है, तो यह लग रहा है वहां के सांसदों को कि पक्षपात कर रहा है, तो क्या हो सकता है, जो मौजूदा संसद में सांसद है यानी कि इस समय कितने 542 जितने भी हैं ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें से बहुमत द्वारा, यह नहीं कि यहां पे पूर्ण बहुमत द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी नहीं, बस बहुमत द्वारा क्या करना है, पास करना है, बहुमत द्वारा पास करना है ना 50+1। ठीक है दोस्तों तो पास करना है। अच्छा कितने मौजूदा सांसद सदस्य, ठीक है दोस्तों जो लोकसभा में आपके हैं, ठीक है तो ये हो गया। अच्छा एक नोट, ये जो आपको नोट है ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा विघटित होते ही अध्यक्ष पद अपना पद नहीं छोड़ता, जो लोकसभा है, लोकसभा जैसे विघटित होती है जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो अपना पद नहीं छोड़ता है। अच्छा कब तक नहीं छोड़ता, जब तक दूसरी क्या होता है, दूसरी लोकसभा स्टार्ट नहीं होती, दूसरी लोक सभा तक, ठीक है तो कब तक नहीं छोड़ सकता, जब तक दूसरी लोकसभा स्टार्ट नहीं हो जाती। अच्छा अब देखो यहां पे क्या बताया, बहुमत द्वारा पास करना यानी 50+1, जो मौजूदा सदस्य हैं जैसे आपके सांसद जितने भी इलेक्टेड हुए हैं उसमें से 50+1। ठीक है एक कंडीशन और है इसमें, क्या कंडीशन, वो कंडीशन है भाई 14 दिन पहले सूचित करना है, कितने दिन, 14 दिन पहले सूचित करना होगा। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर क्या आता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, किस आर्टिकल के थ्रू, 61, मैंने आपको बताया पिछली सीट में बताया बहुत अच्छी तरीके से, मैंने पूरा इम्पीचमेंट, ओथ एंड इम्पीचमेंट पूरे अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है तो आपको बताया होगा कैसे उसको भी 14 दिन पहले सूचित किया जा सकता है, उसी तरह इसको भी 14 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है, ठीक है वरना इसके नहीं हो सकता। अच्छा इसकी भूमिका क्या होती है, देखो भूमिका, आपको कुछ भूमिका दिख रही होगी, तो भूमिका बताते हैं, अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों के प्रमुख होता है। ठीक है जैसे वहां पे जो को भी कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, किसी के भी हो वहां पे प्रमुख होता है, तो अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों के प्रति प्रमुख होता है।
वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, तो जैसे कि अध्यक्ष के बिना कभी किसी सदन की मीटिंग नहीं हो सकती, तो वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक है, अध्यक्ष के तीन स्रोत हैं भाई दोस्तों, तो कौन कौन से स्रोत हैं? प्रमुख स्रोत नंबर एक क्या है? भारत का संविधान, भारत का संविधान। देखो वो किस तरीके से पालन करता है भारत के संविधान में जो लिखित है। ठीक है, लोकसभा की प्रक्रिया, भाई लोकसभा की भी कुछ प्रक्रिया होती है ना, कि प्रक्रिया कार्य संचालन। ठीक है दोस्तों, कुछ नियम होते हैं, ये तीसरा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो देखो कुछ नियम होते हैं भाई, किस तरीके से हर चीज का एक नियम होता है, किस तरीके से क्या चलना है, उसी तरीके से जो उसके अंतर्गत आता है वो उसी तरीके से चलाता है। ठीक है, लोकसभा में। अच्छा, इसकी भूमिका और क्या होती है? जैसे कि कोई विधेयक है, वो कौन सा विधेयक? धन विधेयक है। कौन सा विधेयक? विधायक है, नॉर्मल है। ये सब कौन करता है? तो ये अध्यक्ष ही निहित है, इसी के पावर में, भूमिका इसी की है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं, ये सब बताएगा। तो आप ये इस भी समझ लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये आपके भी इसके बारे में बहुत सी बातें करनी है, इसकी शक्तियां क्या है, इसके कार्य क्या है, ये आपको अगली सीट में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा, फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जितने भी हैं, आप इंस्टाग्राम पे सभी जगह शेयर करें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक्स दोस्तों।